अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नाइला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्ट इन हैंड। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चाउमीन बनने वाली है। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मिलने वाली है आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल और ऑथेंटिक रेसिपीज़। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है बोनलेस, जो कि मैंने 400 ग्राम लिया है। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। सॉल्ट है इसमें 1/2 टेबल स्पून और वाइट पेपर है इसमें 1/4 टीस्पून ऐड करूँगी और ब्लैक पेपर ऐड करूँगी 1/4 टेबल स्पून। और मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने 2 चम्मच लिए हैं। 2 चम्मच भरकर इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर के और इसको मिक्सअप हम कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी, आप 1 टीस्पून के करीब ऐड कर सकते हैं। डालकर हम इसको मिक्सअप करेंगे और चिल्ड वाटर मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून, वो इसमें डालकर इसको हम अच्छे से मिक्सअप करके मैरिनेट कर लेंगे और हम 1/2 आवर के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं अपनी। ओके, अब जो है मैंने पतीले में पानी डाल लिया था। जैसे इसमें हल्का सा बॉयल आया तो मैंने इसमें स्पैगेटीज ऐड कर ली हैं और जब तक ये बॉयल हो रही है मैं अपनी वेजिटेबल्स को कट कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने मीडियम साइज़ की कैरेट ली है, गाजर, और मैंने कैप्सिकम लिया है 1 मीडियम साइज़ की, और मैंने एक बंद गोभी का फूल ले लिया है नॉर्मल साइज़ का। ठीक है, इन सब हम वेजिटेबल्स को काट लेंगे बारीक फिंगर्स में। और देखिए हमारी वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं और हमारी जो हमने स्पैगेटीज जो बॉईल करे थे वो भी हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको स्टेन कर लेते हैं। हमारी रेडी माशाल्लाह डन हो चुकी है। अब जो हम इसको स्टेन करेंगे और उसके साथ ही हम जो टैप का वाटर इसमें डालेंगे, नॉर्मल ठंडा वाटर जो होता है वो डालकर इसको, ताकि हमारा इसमें एक्स्ट्रा जो स्टॉर्च है वो भी निकल जाए। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल की डालूंगी। इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो फ्राई कर लेंगे, आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने उसको एकदम से हमने सारा चिकन डालकर फ्राई नहीं करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप फ्राई करेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से और फिंगर्स में फ्राई हो। ठीक है, जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसको इसमें से निकाल देंगे। चलिए हम जो है एक पैन में मैंने इसमें अनियन लिया है 1 चॉप्ड मीडियम साइज़ का और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ये सोटे हो जाए इसमें मैं गार्लिक मैंने लिया है 1 चम्मच, जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया था अच्छे से, वो भी 1 चम्मच डालकर हम इसको मज़ीद सोटे करेंगे ताकि थोड़ा सा फ्राई हो जाए। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और मैंने इसमें जो वेजिटेबल्स ली थी जो कट की थी वो इसमें डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और जैसे ये फ्राई थोड़ी सी हो जाएंगी तो इसमें जो है हम बाकी अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट मैं लूँगी, नमक इसमें डालूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और जो है इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून और इसमें डलेगा चिकन पाउडर जो कि 1 चम्मच के करीब जाएगा। वाइट पेपर डालूँगी इसमें 1/4 टीस्पून और क्रश्ड चिली जो है वो भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा मज़े का टेस्ट आता है इसका, थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ही मज़े का होता है। ये सब स्पाइसेस डाल के हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और जैसे ये सोटे हो जाए और हमारी जो सब्जियां हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, हमने जो चिकन अपना बॉईल किया था वो इसमें डालेंगे। और थोड़ा सा इसमें मैं चिली सॉस और सोया सॉस भी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस डालूँगी और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ब्रांड का यूज़ करते हैं आप इसमें वो डाल सकते हैं। मैंने शो कर दिया जो मैं डाल रही हूँ और जो हमने चिकन फ्राई किया था वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे। हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब जो हमने स्पैगेटीज जो बॉईल की थी वो इसमें डालकर हम इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे ताकि ये वेजिटेबल्स और चिकन और हमारी ये जो नूडल्स हैं वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। हमारी जो है चाउमीन रेडी हो चुकी है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई